लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। तेजी से बढ़ रहा है आई फ्लू, बच्चों को इससे बचाने के लिए हमारे एक तरीके अपनाएं जिससे बच्चों को आई फ्लू ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल के दिनों में हमने देखा है कि देश में आई फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में। ऐसे में न सिर्फ बड़ों के लिए जरूरी है कि वे अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें, बल्कि छोटे बच्चों को भी इससे बचाए रखने के लिए जरूरी उपाय आजमाएं। वैसे भी बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है और आई फ्लू जैसे तेजी से फैलने वाली समस्या उन्हें आसानी से हो सकती है। आई फ्लू बैक्टीरिया और वायरस के कारण फैलती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है और आंखों से पानी बहता है। हालांकि ये समस्या गंभीर नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। इसके बावजूद जरूरी है कि आप बच्चों को इस समस्या से बचाए रखने के लिए कुछ हमारे उपाय आजमाएं। तो सबसे पहले है बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखने को बोलें। जितने वो हाइजीन रहेंगे उतना ही उनको बीमारी उनसे दूर भागेगी। इन दिनों बच्चों से कहें कि वो अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। अगर किसी गंदी चीज़ को छुआ है, बाहर खेल कर आए हैं या फिर स्कूल से घर लौटे हैं, हर बार उन्हें कहें कि साबुन से हाथों को अच्छी तरह से रगड़ के धो लें। इसके अलावा आप उन्हें हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह भी दे सकते हैं। बच्चों को समझाएं कि इन दिनों आई फ्लू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ऐसे में बार बार अपनी आँखों को छूना नुकसानदायक हो सकता है। आँखों को यह भी बताएं कि हाथों में बच्चों को यह भी बताएं कि हाथों में जर्म्स और बैक्टीरिया आसानी से पनपने लगते हैं। इन्हीं गंदे हाथों से अगर आँखों को छुआ तो इन्फेक्शन या इरिटेशन का खतरा बढ़ सकता है। आप अपने बच्चों का संक्रमित व्यक्ति यानी जिसे आई फ्लू है उससे दूर रहने की सलाह दें। यह बात आप जानते ही होंगे कि आई फ्लू आसानी से एक दूसरे से व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति को ना छुएं, ना ही उसके आसपास जाएं, ना ही उसका कोई सामान यूज करें। मानसून के दिनों में आई फ्लू फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों से कहें कि वे दूसरों की चीज़ों का उपयोग ना करें। जहाँ भी जाएं अपनी पर्सनल चीज़ें ही यूज करें। इसी तरह बच्चों को पब्लिक स्विमिंग पूल में भी ना जाने दें। ऐसी जगहों पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में संक्रमण के फैलने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यही नहीं, स्विमिंग पूल के पानी में विशेष किस्म के केमिकल का यूज किया जाता है, अगर वो आंखों में चला जाए तो जलन और इचिंग जैसी परेशानी भी हो सकती है। बच्चों के आसपास की जगह जैसे टेबल, चेयर, दरवाजे आदि को आप हमेशा डिसइंफेक्ट करके रखें। इन्फेक्शन से बचने का ये बहुत ही कारगर उपाय है। दरअसल ये ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हाथ से हर व्यक्ति करता है, इससे भी इन्फेक्शन का खतरा रिस्क बढ़ जाता है। आप चाहें तो बच्चे को डिस इफेक्टेड स्प्रे भी खरीद कर दे सकते हैं, ताकि वो स्कूल या कहीं और जाएं तो उस जगह चीज़ों को डिस इफेक्ट करके यूज करें। इससे भी आई फ्लू रोकने का रिस्क कम हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपके लिए स्पेशल, आपके बच्चों के लिए। आप बच्चों का केयर करेंगे तो बच्चे आपके हैप्पी रहेंगे, आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।